नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल जागो इंडिया जागो पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज आप इस वीडियो के जरिए ये जानकारी पाएंगे कि दो प्रसिद्ध स्मॉल कैप फंड SBI और HDFC में कौन सा स्मॉल कैप फंड बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं दो प्रसिद्ध स्मॉल कैप फंड का रिव्यू, कंपेयर एंड कंक्लूजन। सबसे पहले दोनों स्मॉल कैप फंड्स का बेसिक डेटा कंपेयर करेंगे। SBI स्मॉल कैप की NAV प्राइस 51 रुपीज़ 40 पैसे और HDFC स्मॉल कैप की NAV प्राइस 43 रुपीज़ 50 पैसे हैं। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जो किसी भी फंड के एक यूनिट का प्राइस होता है। तो यहाँ हमें पता चला कि HDFC SBI से सस्ती फंड है। SBI का AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट 1038 करोड़ है और HDFC का 4948 करोड़ है। AUM के कंपेयर में आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ने HDFC स्मॉल कैप पर भरोसा दिखाया है। नेक्स्ट रिटर्न की बात करें तो SBI ने अपने लॉन्च से अभी तक 27.26% का रिटर्न जेनरेट करके दिया है और HDFC ने अपने लॉन्च से अभी तक 19.03% रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। रिटर्न के कंपेयर में SBI बेहतर है, पर याद रखिए किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट उसके केवल रिटर्न को देखकर नहीं करना चाहिए। एग्जिट लोड की बात करें तो दोनों ही फंडों में 1% एग्जिट लोड है अगर आप एग्जिट होते हैं विद इन 365 डेज। और एक्सपेंस रेशियो, मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है एक्सपेंस रेशियो कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। SBI का एक्सपेंस रेशियो है 1.47% और HDFC का है 0.60%। एक्सपेंस रेशियो में देखेंगे HDFC का ऑलमोस्ट हाफ है SBI से, तो ये इन्वेस्टमेंट करते समय आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जिसे आप ध्यान से देखें, क्योंकि किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें तो इन फैक्ट्स को जरूर देखें। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए बहुत सर्च करके, एडिट करके ऐसे सिंपल लैंग्वेज में वीडियो बनाता हूँ जिसे आप आसानी से समझ सके। आप लोगों से रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक किए बिना यहाँ से ना जाएं। तो देखते हैं फैक्ट्स दोनों फंड का। सबसे पहले देखते हैं दोनों फंड्स का मीन क्या बताता है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा मीन को सिंपली वर्ड में, कि ये किसी भी फंड का एवरेज रिटर्न होता है। SBI का मीन 19.28% है और HDFC का मीन है 19.15%। तो मीन के कंपेयर में SBI इज बेटर देन HDFC। बट मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि रिटर्न को केवल देखकर किसी भी फंड का चयन ना करें। दूसरी जो फैक्ट है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन किसी भी फंड के वॉलेटाइल एंड रिस्क लेवल को बताता है। तो जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा किसी फंड का, उतना ज़्यादा वो फंड वॉलेटाइल एंड रिस्की होगा। SBI स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डिविएशन है 20.56% और HDFC का है 18.26%। HDFC का स्टैंडर्ड डिविएशन कम है SBI से, तो हम कह सकते हैं कि HDFC कम वॉलेटाइल और रिस्की है SBI से। अब बात करते हैं शार्प रेशियो की। शार्प रेशियो का मतलब यह है कि आपका फंड एक यूनिट का रिस्क लेकर कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा फंड उतना ही अच्छा माना जाता है। SBI का शार्प रेशियो है 0.63% और HDFC का है 0.70%। शार्प रेशियो में भी HDFC स्मॉल कैप SBI स्मॉल कैप से अच्छा है। चलिए बात करते हैं सॉर्टिनो रेशियो की। सॉर्टिनो रेशियो बेसिकली ये बताता है कि हमारा फंड कितना बैड रिस्क लेकर रिटर्न जनरेट करता है। तो जितना कम बैड रिस्क होता है उतना ज़्यादा ही सॉर्टिनो रेशियो हाई होता है। जितना ज़्यादा सॉर्टिनो रेशियो हाई होगा फंड उतना ही अच्छा होगा।
SBI स्मॉल कैप का सॉर्टिनो रेशियो है 0.94% और HDFC का सॉर्टिनो रेशियो है 0.97 का। HDFC का सॉर्टिनो रेशियो भी SBI स्मॉल कैप से ज़्यादा अच्छा है। पहले चार पैरामीटर्स में SBI केवल एक रिटर्न के मामले में अच्छा है और बाकी के तीन पैरामीटर्स HDFC स्मॉल कैप के फेवर में है। अब देखेंगे बीटा वैल्यू। बीटा वैल्यू भी किसी भी फंड के रिस्क और वॉलेटाइल को बताता है। तो जिसकी ज़्यादा बीटा वैल्यू हो किसी फंड का होगा वो उतना ज़्यादा रिस्की और वॉलेटाइल होगा। इसका कंपेयर बेंचमार्क से करते हैं और बेंचमार्क की बीटा वैल्यू एक होती है। तो जिस फंड का बीटा वैल्यू एक से अधिक होगा वो फंड अपने बेंचमार्क से ज़्यादा वॉलेटाइल एंड रिस्की होगा। बीटा वैल्यू हमेशा से एक से कम होना चाहिए तो ही वो फंड अच्छा माना जाता है। SBI स्मॉल कैप का बीटा वैल्यू 0.82% है और HDFC का बीटा वैल्यू 0.77% है। तो देख सकते हैं कि ये पैरामीटर्स भी HDFC के फेवर में जा रहा है। अब बात करते हैं अल्फा वैल्यू की। अल्फा वैल्यू बेसिकली ये होता है कि आप जिस फंड की रिटर्न प्रेडिक्ट करते हैं उससे ज़्यादा की रिटर्न आपको वो फंड देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी फंड का रिटर्न प्रेडिक्ट किया 12% और वो फंड आपको 14% का रिटर्न दिया तो उस फंड का अल्फा वैल्यू 2% होगा। तो अल्फा वैल्यू जिस फंड का जितना ज़्यादा होगा वो फंड उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। SBI स्मॉल कैप की अल्फा वैल्यू 10.12%। इसका मतलब यह हुआ कि जितना का रिटर्न सोचा था उससे 10.12% का ज़्यादा रिटर्न दिया है SBI स्मॉल कैप ने। HDFC स्मॉल कैप फंड का अल्फा वैल्यू है 10.17%। तो इस पैरामीटर में भी HDFC स्मॉल कैप विनर है। फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इन दोनों फंड में बेटर कौन सा फंड है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।